हेलो गाइस, तो यार आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है टॉप्स ट्रेंडिंग। मैंने आपको दो तीन वीडियोस में कुछ काम की चीज़ें बताई थी, तो यह मेरा फोर्थ नंबर वीडियो है। इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। तो यार, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जो स्टेप लिया 21 दिन का लॉकडाउन से, कुछ एक मतलब डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ एक अच्छी चीज़ें भी है जो करनी ज़रूरी थी, और मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते थे तब। तो यार देखो यार, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि मतलब उनका जो भाषण था लगभग आधे घंटे का था, तो मैं उसको थोड़ा छोटे में ब्रीफ में समराइज करके बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था यार कि जो जनता कर्फ्यू है ना, वो बहुत ही सफल रहा। तो मतलब सभी देशवासियों ने मतलब इसको सफल बनाया। 5 बजे एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट भी किया। हाँ, वो ज़्यादा मतलब घंटी वंटी बजाने का, ताली बजाने का 5 मिनट का था, लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएशन करके 15-20 मिनट तक बजा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, अच्छा ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया। तो और उसके बाद में यार उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस कैसी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मतलब ये ऐसा वायरस है कि जो 67 डेज पहले 67 डेज में वर्ल्ड के 1 लाख लोग अफेक्टेड थे, फिर अगले 11 दिन में 1 लाख और हो गए, यानी कि 2 लाख। तो 67 डेज में 1 लाख, फिर अगले 11 दिन में 1 लाख, और फिर अगले 4 दिन में, केवल 4 दिन में 1 लाख और हो गए। तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट था, एक्सपोनेंशियल रेट में ये बढ़ता है। तो फिर मतलब इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान, इसका मतलब अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला, तो उसका एक ही इलाज है यार कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा अपने मतलब किसी भी किन्हीं भी लोगों से, खासकर उन लोगों से जिनको कफ और स्नीज या फिर ऐसे कुछ सिम्टम्स है। इसके एक दिक्कत और भी है कि यार इसके सिम्टम दिखते नहीं है, क्या पता किसी को कोरोना वायरस हो लेकिन वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा उस टाइम पर, तो आप ये भी जज नहीं कर सकते कि उसको ये वायरस है या नहीं। तो बेटर है कि आप घर पर ही रहें, वही एक स्टेप लिया गया है। इसके मतलब कुछ एक चीज़ें है कि यार गरीब अगर 21 दिन तक कुछ कमाएगा ममाएगा नहीं, वो बाहर भी नहीं निकलेगा, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया। और आप यार ऐसे मत टेंशन लीजिए, मैंने मतलब न्यूज़ में भी देखा कि यार मतलब जैसे इनका भाषण खत्म हुआ, सभी लोग जो है बाजार जाकर के ये चीज़ें खरीदने लग गए कि यार अभी 21 दिन तक कुछ भी नहीं खरीदना, तो अभी खरीद के अपना स्टॉक रख लेते हैं। ऐसी टेंशन मत लो यार, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। उन्होंने अपने भाषण में 2 बार ये बोला है कि हमने पहले भी आपके जो है जो ज़रूरी चीज़ें उनका ध्यान रखा है, उनका आगे भी ध्यान रखी, आप टेंशन ना लें। लेकिन वो इतना खुली तरह नहीं बोल पाए, इसलिए हो सकता है उनको थोड़ा और मतलब इसके बारे में बताना चाहिए था कि आपको खाने वाने की टेंशन नहीं, हमको इसके बारे में कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं कहीं 2 जगह पर ये मेंशन किया था, अगर आप भाषण को एक बार फिर से ध्यान से सुने तो आपको पता पड़ेगा। तो मतलब उन्होंने मतलब आज रात ये मतलब लॉकडाउन क्या है कि 21 डेज तक लॉकडाउन, आपको घर के अंदर ही रहना है 21 दिन तक, आज रात 12 बजे के बाद में, यानी कि जो है 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक ये जो है आपको घर के अंदर रहना है, लॉकडाउन है। तो फिर मतलब ये काफ़ी कंट्रीज़ में लिया गया ऐसा स्टेप, यही एक इसका मेजर है। जब आपके पास में कोई बीमारी की वैक्सीन नहीं है, तो बेटर है कि यार आप उससे दूर ही रहो। तो यही एक तरीका था जो कि करना पड़ा, जो कई जगह पर किया, और इंडिया जैसी पॉपुलेशन के अंदर तो खासकर मैं इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। बिल्कुल गरीबों के लिए यार बहुत दिक्कत है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, मुश्किल टाइम है पुअर्स के लिए, गवर्नमेंट कुछ करेगी इसके लिए, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। और किसी भी तरह की अफवाह जो फिर मतलब इस वायरस के लिए जो अफवाहें फैल रही है कि इसकी दवाई है ऐसा है वैसा है, उस पर भरोसा ना करिए गाइस। आप सिर्फ मतलब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो WHO के जो साइट पर जाकर के देख सकते हैं, उसी पर भरोसा करिए। बाकी किसी जैसे कि न्यूज़ चैनल होते हैं, काफ़ी जो न्यूज़ चैनल हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको आप देख करके आपको पता पड़ जाएगा यार, वो अफवाह नहीं होगी, किसी और से सुनी हुई चीज़ पर यकीन मत कीजिए। और गवर्नमेंट ने एक और अच्छी चीज़ की है कि 15,000 करोड़ रुपए लगाए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, वेंटिलेटर और बाकी चीज़ें जो है इस वायरस के लिए या फिर कई अन्य चीज़ों के लिए, वो भी की गई है। सभी वो स्टेट से यही गुजारिश की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाए, उसको अच्छा बनाए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए अभी इस टाइम पर। बिल्कुल सही है। और मतलब पहले जो हमने सुना था कि यार डर के आगे जीते, अब तो ऐसा हो चुका है कि घर के आगे मौत है, ऐसा उन्होंने मतलब कुछ इनडायरेक्टली बोला था। तो मतलब उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि यार कई जो ऐसे लोग हैं जो सिम्टम शो नहीं कर रहे लेकिन उनको ये वायरस है, और वो कई लोगों के संपर्क में आकर के इस वायरस को फैला सकते हैं। तो उनसे दूर रहने का एक ही तरीका है यार कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो फिर आपको जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने पड़ेगा। एक उन्होंने पोस्टर दिखाया था कोरोना जो था, जो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, कोई रोड पर ना निकले। बिल्कुल सही है यार, मदद करो एक दूसरे की, अपने आप को सेफ रखो, अपने परिवार वालों को सेफ रखो, कोशिश करो कि संपर्क में ना हो किसी के भी,
घर से बाहर मत निकलिए 21 दिन तक। और जो लोग पुअर पीपल है वो देखिए, अभी इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उनके बारे में, और मेरे दिमाग में कई आइडियाज़ है लेकिन मैं आपको फॉर द टाइम बिंग अभी बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरी ये गुजारिश है यार कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, वो ट्राई करें यार कि बिना संपर्क में आए गरीबों की हेल्प कर सकें। और जैसे कि मतलब किसी का भी प्लान होता है, जैसे मेरा भी, मेरी भी इच्छा है कि यार मैं बड़ा बनूंगा अगर, तो अच्छा आदमी बनूंगा अगर, तो फिर ट्राई करूंगा गरीबों की हेल्प करने का। तो बस इतना ही यार आज की वीडियो के लिए। लाइक से सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू गाइस।